Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalingar. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you SET 27th December 2020, paper 2nd of Sociology. Let's start from question number 83. ये आपका fourth part रहेगा, क्योंकि इसके पहले three part मैंने इस paper के discuss किए हैं. Assertion or reason दिया यहाँ पर. Ambient air quality of Delhi is deteriorating day by day. दिल्ली की जो air quality है वह दिन ब दिन खराब होती जा रही है. True. Stubble burning in Punjab and Haryana affect air quality in Delhi. Stubble burning जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है वह दिल्ली की air quality को affect कर रहा है. This is also true. Take your time. Correct answer is B. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई होल एंड सोल स्टबल बर्निंग की वजह से ही दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, ये तो सरासर गलत है. क्योंकि दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है. इंडिया में सबसे ज्यादा फोर व्हीलर्स दिल्ली में है, तो वेहिकुलर पोल्यूशन एक सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है पोल्यूशन में. तो एयर पोल्यूशन में मेजर ये फोर पोल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5, PM 10. PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर. इट कैन कॉज इरिटेशन इन आईज, आंखों में जलन होती है इनकी वजह से. अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सफर का सिस्टम बनाया है, वह कौन से एरिया में कितना सिटी के पोल्यूशन है वह मेजर करता है. सफर का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो उसका लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. इट इज ए नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज बाय मेजरिंग द ओवरऑल पोल्यूशन लेवल एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी. कौन से एरिया में कितना उसका पोल्यूशन का लेवल है वह मेजर करता है यह सफर सिस्टम. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 to 5, 50 अगर पोल्यूशन हो तो उसको गुड माना जाता है. 50 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 मॉडरेट, फ्रॉम 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर, एंड अबव 400 सेवर माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 84. Which of the following methods has been used by Clifford Geertz? Take your time. Correct answer is thick description. Clifford Geertz was an American anthropologist. He studied the tribal people of Bali and also Java. Thick description kya hai? What is thick description? Thick description is an anthropological method of explaining with as detail as possible the reason behind the human action. Thick description इसको कहते हैं कि कोई अगर human action हो रहा है तो उसके पीछे क्या reason है वह हम thick description के द्वारा देख सकते हैं. For example, उन्होंने ये एक लिखा है, deep play notes on the Balinese cockfight. बाली में दो मुर्गों के बीच फाइट होती है, तो वह फाइट क्या शो करती है? वह फाइट यह शो करती है कि जिसका अगर कॉक वह फाइट जीतता है तो उसको वहां पे स्ट्रांग माना जाता है. तो हर सोशल एक्शन के पीछे एक मोटिव होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, कुछ चीजें हर एक्टिविटी के साथ जुड़ी होती है. अपने इंडिया में भी जल्लीकट्टू होता है, बेसिकली तमिलनाडु में होता है. क्वेश्चन नंबर 85. हेरोल्ड गारफिंकेल्स वर्क इज एसोसिएटेड विथ. हेरोल्ड गारफिंकेल का वर्क इनमें से किससे एसोसिएटेड है? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्वर्सेशन एनालिसिस. देखो, हेरोल्ड गारफिंकेल को फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी माना जाता है. एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? तो एथनोमेथोडोलॉजी क्या है?
इथ्नोमेथोडोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ एवरीडे रियालिटी एंड हाउ पीपल प्रोड्यूस दोज रियालिटीज थ्रू देयर प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड इंटरेक्शन विथ अदर्स. जो दिन दिन हर दिन जो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी का ही स्टडी इथ्नोमेथोडोलॉजी में होता है. इथ्नोमेथोडोलॉजी में बेसिकली लोग क्या करते हैं, वह वहाँ पे लोगों के बीच में जाके देखते हैं, तो उसको इथ्नोमेथोडोलॉजी कहते हैं. और कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या है, इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन द डायनेमिक्स ऑफ टॉक. कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या होता है, जब दो लोग बातें करते हैं या कोई ग्रुप बातें करता है, तो उस ग्रुप में जो टॉक करते समय जो टर्न्स आते हैं या कभी वो पॉज आता है, तो उस सारी चीजों का इसमें स्टडी होता है कन्वर्सेशन एनालिसिस में. तो इट इज अ पार्ट ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 86, गांधीज नोशन ऑफ अंत्योदया रेफर्स टू. गांधी का जो नोशन है अंत्योदया का, वो किससे बिलोंग करता है. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट्स टू द बॉटम मोस्ट सेक्शन. जो सबसे पिछला हिस्सा है उसके राइट्स का बात किसमें किया जाता है, अंत्योदया कॉन्सेप्ट में. क्वेश्चन नंबर 87, न्यू लिबरलिज्म एंड राइज ऑफ न्यू फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू फंडामेंटलिस्ट, यह एक ही कॉइन के दो साइड्स है, यह किसका स्टेटमेंट है. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज मैनुअल कॉस्टेल्स. मैनुअल कॉस्टेल्स कौन है, स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट. ही एसोसिएटेड विथ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये उसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है. इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कलेक्टिव कंजम्पशन. इनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, पॉइंट नोट कीजिए, कलेक्टिव कंजम्पशन. क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे लिस्ट मैच करना है आपको, टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माइकल फुको ने क्या दिया, इपिस्टेम दिया है. एंथोनी गिडेंस ने क्या दिया, ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. जे हेबरमास ने क्या दिया है, आइडियल स्पीच सिचुएशन का कॉन्सेप्ट दिया है. और पी बॉडरीलॉर्ड ने क्या दिया है, प्रैक्टिस. पिछले वीडियो में देखा है हमने, हैबिटस एंड प्रैक्टिस इन्होंने दिया है पी बॉडरीलॉर्ड ने. क्वेश्चन नंबर 89, इपिस्टेम इज, अभी हमने देखा इपिस्टेम. टेक योर टाइम. इपिस्टेम क्या है, इपिस्टेम करेक्ट ऑप्शन इज डी. इपिस्टेम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज दैट सेप्स डिस्कोर्स एंड हेल्प्स इन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. इपिस्टेम क्या है, एक फ्रेमवर्क है नॉलेज का दैट सेप्स डिस्कोर्स, वह डिस्कोर्स को सेप देता है एंड हेल्प्स इन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इपिस्टेम हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव मेथड. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इम्पसाइजेस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग. क्वालिटेटिव मेथड क्या करता है, इट इम्पसाइजेस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग. मीनिंग को एक्सप्लोर करने में वह हेल्प करता है. बट क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है, इम्पसाइजेस ऑन प्रिसीजन ऑफ डाटा, इम्पसाइजेस ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ जनरलाइज सेंट्रल टेंडेंसीज, इम्पसाइज ऑन रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिविटी. तो इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिविटी होती है, बट इसमें क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 91, कॉन्फिडेंशियलिटी डज नॉट मीन. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या नहीं है, टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज डी, फंडर्स विल हैव एक्सेस टू रिस्पोंडेंट्स. ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग नहीं है. द
तो क्या है चेंजिंग नेम्स, एनोनिमिटी, प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 92, द फार्मर्स मूवमेंट बाय द मिडल पेजेंट्री आर मेनली कंसर्न्ड विद. फार्मर्स का जो मूवमेंट है बेसिकली जो मिडल पेजेंट्री है तो किससे संबंधित है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज फेयर प्राइस फॉर क्रॉप्स. फार्मर्स का जो मूवमेंट है जो बेसिकली बहुत बड़े फार्मर्स नहीं होते तो उनको क्या चाहिए, बस उनके फसल को अच्छा प्राइस होना चाहिए. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की डिमांड करते हैं क्या वह, नहीं. इक्वल शेयर ऑफ शेयर क्रॉपर्स का डिमांड करते हैं क्या, नहीं. गेटिंग रीड ऑफ द मिडलमैन, नहीं, वो भी उनका डिमांड नहीं है. तो उनका डिमांड क्या है, फेयर प्राइस फॉर क्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन वाज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इनेक्टेड इन इंडिया. कब इंडिया में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इनेक्ट हुई है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2013 में. इथ्नोग्राफी इंप्लाइज, इथ्नोग्राफी क्या सूचित करती है. टेक योर टाइम. अभी हमने इथ्नोमेथोडोलॉजी के बारे में देखा है तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इथ्नोमेथोडोलॉजी. देर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन इथ्नोग्राफी एंड इथ्नोमेथोडोलॉजी. इथ्नोमेथोडोलॉजी बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम इथ्नोग्राफिकल स्टडीज. करेक्ट आंसर इज पीपल आर मीनिंग मेकर्स. इथ्नोग्राफी क्या बोलती है, पीपल जो है वह मीनिंग को क्रिएट करते हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव स्टडी आता है क्या, नहीं. रिसर्च पीपल, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिसर्चर्स, नहीं. ये सारी चीजें उसमें नहीं आती. क्या आता है, पीपल आर मीनिंग मेकर्स, ये आता है. क्वेश्चन नंबर 95, विच वॉज द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द क्लब ऑफ रोम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ ग्रीन मूवमेंट्स पब्लिक कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज द लिमिट टू ग्रोथ. क्वेश्चन नंबर 96, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. इसमें से कौन सा इंडिया के फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स. एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल इसका कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो फॉरेस्ट एक्ट 2006 का कोर ऑब्जेक्टिव ये तीनों है, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एम्पावरमेंट करना है, सिक्योरिंग लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 97, फॉर विच वन ऑफ सैम्पलिंग टाइप लॉटरी मेथड एंड रैंडम मेथड, लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर्स आर यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल. टेक योर टाइम. ये रिसर्च क्वेश्चन से, यह क्वेश्चन से रिसर्च मेथोडोलॉजी से. करेक्ट आंसर इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. यहां पे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है फॉर विच वन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड है, उससे लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर्स आर यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल. इनमें से कौन से टाइप में लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर्स यूज किए जाते हैं सेलेक्टिंग सैंपल के लिए. सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर्स यूज किए जाते हैं. तो किसमें यूज किए जाते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग. क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी. टेक योर टाइम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. देखो दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक फॉर्मल इकोनॉमी होता है तो उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग आता है, बट जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, कैजुलेशंस आता है और होम बेस्ड वर्क आता है. कैजुलेशन का क्या मतलब है,
कैजुलेशन मीन्स प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लॉइंग टेम्पररी स्टाफ फॉर शॉर्ट पीरियड इंस्टेड ऑफ परमानेंट स्टाफ इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट। कैजुलेशन का मतलब है टेम्पररी तौर पर लोगों को काम को रखा जाता है, ना कि परमानेंट तौर पर। क्यों? क्योंकि परमानेंट को अगर किसी को आप जॉब देते हो तो आपको उनको ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालाइज्ड इन पोस्ट मॉडर्निस्ट रिसर्च। इनमें से कौन सी चीज पोस्ट मॉडर्निस्ट रिसर्च में एनालाइज नहीं की जाती? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज बी, गैप्स एंड साइलेंसेस। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिसर्च में चॉस, कंटिन्यूटी एंड फ्रेगमेंटेशन, इन चीजों का स्टडी होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डैश ऑल्सो नीड टू बी इंटरप्रिटेड। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइलेंस एंड पॉजेस। देखो, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में साइलेंस एंड पॉजेस को भी आपको इंटरप्रिट करना पड़ता है, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में करने की जरूरत नहीं पड़ती। देर आर टू टाइप ऑफ इंटरव्यू, वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।